हेलो दोस्तों दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि एक कैपेसिटर से रेगुलेटर को इस तरह रिपेयर करें कि रेगुलेटर कभी ख़राब ही ना हो। जैसे आपके फ़ैन में क्या हो सकता है कि आपका रेगुलेटर एकदम काम ही नहीं कर रहा हो, या फिर एकदम लो, हर पॉइंट पे लो ही चल रहा हो। पंखा जो आपका हर पॉइंट पे लो ही चल रहा है, स्लो ही चल रहा है। या फिर आपके रेगुलेटर में ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है कि हर पॉइंट पे तेज़ ही चल रहा है, एक पे भी उतना ही तेज़ और पाँच पे भी उतना ही तेज़, कम और अधिक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, फ़ैन का जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर से आप अपने रेगुलेटर को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये अब उसके बाद ख़राब होगा ही नहीं। ठीक है, मैंने कितने जो रेगुलेटर है इसको कैपेसिटर के मदद से सही किया है, तो आप बने रहें और देखें कि कैसे इसमें कैपेसिटर लगाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फ़ैन को एक बार दिखाना चाहूँगा। ठीक है, देखिए फ़ैन है। अब मैं इसको फैन को आपको एक पे पहले किया। ठीक है, देखिए एक पे। ठीक, अब यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं दो पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा। तीन पे देखिए, और स्पीड बढ़ा, और चार, चार ही हुआ और ये फुल है इसका, चार है और ये आपका पाँच हो गया। ये फुल देखिए, फैन काफ़ी तेज़ चल रहा है। फिर मैंने इसको ऑफ कर दिया और फिर ये एक पे हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप देख पाए होंगे कि सच में ये काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब मैं रेगुलेटर को बाहर निकाल के आपको बताता हूँ कि मैंने इसे कैसे ठीक किया और पहले इसमें क्या प्रॉब्लम था। ठीक है दोस्तों, दोस्तों देखिए आप, मैंने क्या किया है कि बॉल, ठीक है, और रेगुलेटर को सीरीज में लगा लिया। ठीक है, देखिए ये प्लग से दो तार आए, एक डायरेक्ट बॉल में गया और दूसरा डायरेक्ट रेगुलेटर में लगा। ठीक है, रेगुलेटर का एक एंड और बॉल का एक एंड मैंने एक में लगा दिया। सीधा सीधे मैं कहूँ तो रेगुलेटर को मैंने सीरीज में कर दिया। ठीक है, जैसे ये तार को आके यहाँ जुड़ना चाहिए था, यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने यहाँ से हटा के रेगुलेटर को सीरीज में लगा दिया। रेगुलेटर हमेशा सीरीज में ही लगता है। ठीक है, तो देखिए ताकि आप अच्छे से जज कर पाएँ, देखिए मैंने लगा दिया, अभी पूरा ऑफ है। ठीक है, देखिए एक पे भी पूरा तेज़ बॉल चल रहा है, दो पे भी, तीन पे भी, चार पे भी, पाँच पे भी, सब पे लगभग उतना ही चल रहा है। ठीक है, किसी पे भी कम नहीं चल रहा है। जैसे यहाँ पे आप गौर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखें मैं घुमा रहा हूँ, ऐसा नहीं लगे कि आपको मैं उसी पर हूँ। ठीक है, सभी पे तेज़ ही चल रहा है। ठीक है, वह सीधे ऑफ हो जा रहा है, एक पे थोड़ा धीरे चलना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं, हर जगह ये फुल ही चल रहा है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है इस रेगुलेटर में। ठीक है, और इसको हम लोग इस कैपेसिटर की मदद से रिपेयर करेंगे। ठीक है, कोई भी ये पंखा का ही कैपेसिटर है। ठीक है, 2.25 माइक्रोफेराड का है। ठीक है, 450 वोल्ट है, आप थोड़ा सा कम वोल्ट का भी लेके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश करें 2-2.5 से ही ज़्यादा इस कैपेसिटर को ना लगाए तो ही बेटर है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, इसे खोल देना है। ठीक है, खोलने के बाद प्रत्येक कैपेसिटर को देखना है कि इसमें कौन सा कैपेसिटर जो है ख़राब हो चुका है। इसे देखिए सही है, ये देखिए थोड़ा सा फूला हुआ ये दिख रहा है, और यहाँ अंदर जो है देखिए, यहाँ अंदर क्रैक भी दिख रहा है, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्रैक भी दिख रहा है। तो अब आपको क्या करना है, तीसरे को भी चेक करना, तीसरा जो है बिल्कुल सही है। तो आपको क्या करना है, सेंटर वाले को निकालना है। ठीक है, ठीक है, सेंटर वाला निकल गया। देख पा रहे हैं आप, यहाँ क्रैक था। ठीक है, मैं अब इसे हटा देता हूँ। अब देखिए मैं एक कैपेसिटर लेता हूँ, कैपेसिटर को भी इधर से ही पार करा देता हूँ, क्योंकि अंदर लगने का जगह नहीं है, और वो कैपेसिटर मार्केट में मिलना मुश्किल है। अगर आपको मिल जाता तो आप यहीं कैपेसिटर लगाइए, ये भी एक कैपेसिटर है, ये भी एक कैपेसिटर है, लेकिन ये नहीं मिल रहा, उसके बदले मैं इसे लगा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जहाँ जहाँ से आपने छुड़ाया है वहीं पर आपको लगा देना है, कोई लेग आप कहीं लगाएं इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए एक लेग मैंने यहाँ दे दिया और दूसरा लेग मैंने यहाँ दे दिया। ठीक है, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं है, कोई लेग को आप कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब मैं चाहूँगा कि पूरा बंद ना करके पहले आपको दिखा दूँ। ठीक है, देखिए अब मैं ऑफ कर दिया इसे। अब देखिए एक पे बहुत कम,
बहुत माइनर जलेगा फिलामेंट, ठीक है, बहुत रेयर, जो कि देखना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, हल्का हल्का एकदम माइनर जलेगा, लाइट ज़्यादा के जल्द नहीं दिख पा। देखिए दो पे मैं कर रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा जला, आप अंतर देख पा रहे हैं ये ख़राब कैपेसिटर में क्या हो रहा था और ये जो लगा तो क्या डिफरेंस है, ठीक है। तीन पे देखिए और बढ़ा, चार पे देखिए और बढ़ा, और ये पाँच फुल हो गया, ठीक है, और ये ऑफ हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर से देख लीजिए, एक बहुत कम है, दो तीन चार पाँच, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपने क्लियर से देख लिया, मैंने सप्लाई हटा दिया। अब आपको क्या करना है, फिर इसको थोड़ा थोड़ा अंदर दबा के इसे बैठा लें, ठीक है, ये अच्छा से बैठ गया। अब आपको फिर से इसे वापस बोर्ड में लगा देना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के ज़रूरी और छोटी छोटी वीडियोज़ पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।